नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज हम तुमने धोरण 12 विषय लिखी एमा पाठ नंबर 9 व्याकरण शब्द भंडार। व्याकरण शब्द भंडार एमा गईकाले आपने તે ભણ્યા, આજે આપણે પાઠ નંબર 91 પરના તદ્ભવ વિષય અભ્યાસ कहे जाते हैं। हिंदी में प्रयुक्त बहुत से ऐसे अद्भुत शब्द है जो संस्कृत और प्राकृत से आए हैं, इन्हें तद्भव कहा जाता है। कुछ उदाहरण द्रष्टव्य है, अंधेरा, आधा, ऊंचा, हीरा, खेत, ग्रावा, धनी, शावन, धीरज, धान, कान, मुंह, नाक, हाथी, आठ, शाप, बहु, दूध, ईद, सात, आज, माथा, सांस, उंगली, उंगली, अंगूठा। आ बदा शब्द क्या है? तो के तद्भव। હવે અર્ધ તત્સમ, જો શબ્દ સંસ્કૃત અથવા પ્રાકૃત છે, મિશ્રિત હોકર સંસ્કૃત અને પ્રાકૃત બે માંથી થયેલ, ઉચી પરિવર્તન કે સાથ હિન્દી મેં પ્રયુક્ત હોય, કાંઈક પરિવર્તન ની સાથે તે હિન્દી માં આવે છે, ઉને અર્ધ તત્સમ શબ્દ કહે, તેને અર્ધ તત્સમ, કેમ કે હિન્દી અને સંસ્કૃત છે, પ્રાકૃત અને સંસ્કૃત બે માંથી આવે અને હિન્દી માં જાય છે, એટલે અર્ધ પ્રાકૃતિક અર્ધ સંસ્કૃત બે માંથી હિન્દી માં જાય છે, એને અર્ધ તત્સમ શબ્દ કહેવામાં આવે છે। इसका इनका परिवर्तित रूप तत्सम शब्दों की अपेक्षा कुछ कम होता है। तत्सम शब्दों की तुलना में उद्ध तत्सम शब्द अपने मूल शब्द से अधिक निकट जान पड़ते हैं, तथा पुनियों के तत्सम नहीं होते। तत्सम, अर्ध तत्सम तथा तद्भव शब्दों में अंतर इस प्रकार है। हमें आपने तत्सम, अर्ध तत्सम अने तद्भव शब्द एनो अंतर आपने जोई। तत्सम शब्द तत्सम, अर्ध तत्सम अने तद्भव, कर्म कर्म काम, अक्षर अक्षर अद्ध अर्ध तत्सम से अक्षर अखर, अग्नि अग्नि आग, कार्य कारज काम, अनुकरण वाचक, कल्पित ध्वनि के आधार पर जिन शब्दों का गठन होता है अनुकरण वाचक शब्द कहते हैं, जैसे फटफड़ाना, चहचहाना, भनभनाहट, धमाका, गड़गड़ाहट, कैके, चैचै, पैपै, भैभै, कुक्कू, काऊकाऊ, फटाका, चिल्लाना आदि। कुछ शब्द मूलर शब्द के साथ भी किंचित परिवर्तन से उसके समीप पाठ को प्रकट करते हैं, यथा अंग्रेज अंग्रेजी हिंदी
આભાર.